सरगर्मी के बीच अब स्टार प्रचारकों का दौरा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जबलपुर पहुंचे भाजपा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा तीनों प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत रही है और मध्य प्रदेश विकास में आगे बढ़ रहा है। मनमोहन सिंह जी 10 साल थे प्रधानमंत्री, कितनी बार आए थे? तो शायद 4 या 5 बार आए थे। आज मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र का विकास है, अगर 6,000 रुपया किसानों के खाते में दिल्ली से आते हैं मोदी जी की सरकार में तो 6,000 शिवराज जी की सरकार देती है। आज अगर लाडली बहन योजना है तो लाखों की संख्या में महिलाओं के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, 1,000-1,250 रुपये। कि आप शराब के ठेकेदारों की मोनोपोली बनाइए, उनको 338 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाइए, सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी पड़ी की थी, और उनके कमीशन से गोवा में 6% वोट पाकर राष्ट्रीय पार्टी बनिए, ये कौन लोग कह रहे हैं जो देश में ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते थे? अभी जय वीरू इधर से ही आया है। तो अगर ये शोले के संबंध में है तो मैं एक ही बात कहूंगा, जय वीरू की कहानी शुरू कैसे होती है शोले में, उसको भी लोग देख लें तो अच्छा है। छत्तीसगढ़ में विधान